Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अमेरिका के स्टेट ओहायो में मौजूद लेक एरी दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी झील है। इस झील से 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट नामी एक छोटी एयरफील्ड वाक़े है। 27 अगस्त 1967 की सुबह 30 स्काईडाइवर्स को इस एयरपोर्ट पर एक फ्री फ्लाइट लेने के लिए दावत दी गई। जंगे अजीम दोम के दौरान इस्तेमाल होने वाले एक तैयारे B-25 बॉम्बर को एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई करके प्राइवेट फ्लाइट्स और एडवेंचर एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार किया था। मॉडिफिकेशन के बाद पहली बार उन 30 स्काईडाइवर्स को इस प्लेन में एक ख़ास फ्लाइट लेने के लिए बुलाया गया था। जब एक एक करके सारे पैसेंजर्स ने प्लेन में बैठना शुरू किया तो प्लेन में जगह कम पड़ गई और फ्लाइट ओवरवेट हो गई, लिहाजा पायलट ने एन मौके पर अपने साथ सिर्फ 20 मुसाफिरों को ले जाने का फैसला किया। इन 20 स्काईडाइवर्स को उनकी महारत और तजुर्बे की बिना पर मुंतखब किया गया था। बाकी बचे 10 स्काईडाइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने पर अफसोस तो बहुत हुआ, मगर उस वक्त वो ये बात नहीं जानते थे कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचा रहा है। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर प्लेन उन 20 स्काईडाइवर्स के साथ ऑटनर एयरपोर्ट से परवाज भर के गोल घूमता हुआ 20,000 फुट तक जाएगा और ऊपर जाने के बाद 20 में से 18 स्काईडाइवर्स को इसी एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप कर देगा। इसके बाद वो मज़ीद ऊपर जाएंगे और 30,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद आखिरी दो मास्टर स्काईडाइवर्स जंप करेंगे। मौसम की ख़राबी के बायस फ्लाइट ने सुबह की बजाय थोड़ा इंतज़ार करके दोपहर के 3 बजे टेक ऑफ किया। पैराशूट्स पहने प्लेन में बैठे ये सारे स्काईडाइवर्स बहुत खुश थे। B-25 बॉम्बर प्लेन से जंप करना उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। टेक ऑफ के कुछ देर बाद सेसना 180 नामी एक छोटे तैयारे ने भी इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सेसना को ये हिदायत दी गई थी कि वो B-25 बॉम्बर के पीछे 12,000 फुट की बुलंदी पर रहते हुए बॉम्बर प्लेन से कूदने वाले स्काईडाइवर्स की वीडियो बनाएगा। ये दोनों तैयारे करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से मुसलसल रबते में थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद 20,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद B-25 बॉम्बर ने ATC टावर को इत्तला दी ताकि वो उनकी लोकेशन कंफर्म कर सकें। उस दौर में GPS की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लिहाजा ATC से मदद ली जाती थी। ATC ने बॉम्बर प्लेन को बताया कि वो एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर हैं और ड्रॉप जोन के करीब पहुँच चुके हैं। इसके कुछ मिनटों बाद सेसना 180 ने भी अपनी लोकेशन पता करने के लिए ATC से रابطہ किया, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से सेसना को बॉम्बर प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था और ये जानना बहुत ज़रूरी था कि सेसना बॉम्बर प्लेन से कितना दूर है। ATC ने सेसना को बताया कि वो बॉम्बर प्लेन से 9 किलोमीटर पीछे हैं, यानी अगर नक्शे पर देखा जाए तो बॉम्बर प्लेन उस वक्त एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर था, सेसना बॉम्बर प्लेन से 9 किलोमीटर दूर था और एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर। थोड़ा फासला मज़ीद तय करने के बाद जब बॉम्बर प्लेन ने ATC से दोबारा रابطہ किया तो टावर ने उन्हें बताया कि अब वो ऑटनर एयरपोर्ट के ठीक ऊपर पहुंच चुके हैं। इस कन्फर्मेशन पर पायलट ने उन 18 स्काईडाइवर्स को प्लेन से छलांग लगाने का इशारा दे दिया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अभी कुछ मिनटों पहले उन सब से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।